मालदा की तरफ से पहला गोल जर्सी नंबर 9 इब्राहिम ने किया था, सेकंड गोल संजीव मुर्मू ने और थर्ड गोल नादा जो कि विदेशी मूल के खिलाड़ी उसने तीसरा गोल दागा है। गांडवाल कहते हैं बेगुल गुलहाव का मालदा टीम को गति बुनिया था। चले जोरों की तालियां होना चाहिए दोनों टीम के खिलाड़ियों का स्वागत किया जाए। एएफसी मालदा वेस्ट बंगाल वर्सेस बीवा यंग सुबुज संगा वेस्ट बंगाल के बीच एक तगड़ा कॉन्टेस्ट हम लोग देख पाएंगे। इस मैच के मुख्य रेफरी के रूप में इस समय करण हास्ता जी, असिस्टेंट रेफरी के रूप में आकाश जैक्सन रावत जी और अमृत डग जी। बहुत ही जबरदस्त मैच के बाद अभी हमारे आज के दिन का ये फर्स्ट राउंड के लास्ट मैच है जो कि खेल रहे हैं एएफसी मालदा उसके साथ बेवा यंग शंभू हो चुकी है। बस अब देखते रहिए और और सरदार बचा वहाँ पर राहुल रॉय जो कि गोलकीपर है और ये महावीर बंगाल की जो स्टाइल है टेक्निक पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और जब वो संथाल परिमंडल में जाते हैं तो यहाँ पर उनका खेल का शूटिंग से जज पा जाता है और कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में जगह भी बैठक कर रहा है। और लेकिन इससे पहले कि जैसे हम लोग टूर्नामेंट देखें वहाँ से हम लोग देखें ना कि हमारे बंगाल के टीम में बहुत सारे विदेशी प्लेयर भी खेल रहे थे, बहुत सारे अलग कहीं के भी प्लेयर सब खेल रहे थे, उसके साथ बोल रहे थे कि जगह बड़ी बात नहीं है हमारे प्लेयर की और हम सब जानते हैं कि सार्जम मेडा में सबसे ज्यादा लाइक करने वाले खिलाड़ी 11 नंबर में जो हम लोग देखते हैं जो बाबूलाल हास्ता इस समय जो विंग के पोजीशन पर फिलहाल यहाँ नाना के पास है। नाना जो अफ्रीका देश देश का नाम भी खाना है जो अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो छोटा सा एक देश से खाना उस क्षेत्र से वो उस जगह से बिलोंग करते हैं। और एक जय हिंद क्लब या पिट पेट का सारिया ग्राउंड रहे अपे पे हतंगरा में चुकना नेहर ने धोया नवा कार्यक्रम दो जो तो आबू सनाम घोड़ को आकना कोई हड़बड़ा हट नहीं जिस तरह से बार बार करते हैं कोई हरी में नहीं खिलाड़ी और यहाँ पर बहुत अच्छे इंटरसेप्शन अच्छी पास टैकल करने की कोशिश वहाँ पर लॉन्ग रेंज वाली पास यहाँ पर जैसे नंबर 9 के लिए बॉल को कंट्रोल किया अपने पास से बॉल खोल के अच्छी पास से गैप में पेनिट्रेशन पास वहाँ पर जैसे नंबर 9 और इसी बीच मौका होना चाहिए और खिलाड़ी है काफी पीछे इस बार बॉल को पीछे मूव किया है खेल का मोमेंटम ये कहता है इस बार शॉट हेडर के लिए बिल्कुल लेकिन इतना ही बेहतरीन और यहाँ पर इब्राहिम ने टीम के लिए म्यूजिक हो जाए पहला गोल हो गया है सेकंड हाफ में। पुष्पा राज वाला जो पोज दो जलते हैं पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला वाला जो वो पोज देते हैं गजब का है और नाना बहुत ही ज्यादा आकर्षक खिलाड़ी है और इब्राहिम दोनों के बीच इतना अच्छा जुगलबंदी तालमेल है और 1-0 के बाद मालदा की टीम के बीच है जहां ना दिक्कत बात हुई और यही नागवा भारतीय का बुनियाद का बंगाल और बंगाल तलार गया हरियाणा और हेमे रोंगिया जर्सी हो रहा टीम मालदा टीम रहे बना लगे कदा टीम की उसरत है सजा सपड़ा वाले टेक्निकल लंच चैलेंज भिजवा चाय चंपागढ़ पाकुड़ आरएमसी ब्रदर्स टीम पाकुड़ आलमेन के लाना तिही अड़ी ठीक ठाक की चलाओ कना नुड़ा थोड़ा गेट पाकी के लाना आयते थोड़ा टाइम काती में आर उसर आते हैं जो ना बैंक फोर्म गया अड़ी ना करा बैंक फॉर्मेट पर नहीं ठीक के ना म्यूजिक बजा दीजिए गल गदा है ना टीम बढ़िया में बोली चलाओ करो बहेट एसबीआई बैंक सामने रे मिनट आ तीन सुबह में
पटी ना हैप्पी का गाना को आप लोग रेडी रखेगा, हैप्पी का गाना को रेडी रखे हमारे जय हिंद क्लब के हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान गमालियल हमरा जी के बेटी हैप्पी जी, वो बहुत ही अच्छा डांस करती है, कल भी बहुत ही अच्छा डांस की थी, आज भी डांस करेंगे इस मैच के बाद, उसका गाना आप लोग रेडी रखिए। ना 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 हेलो तीन गोल में अभी तक जिन जिन खिलाड़ियों ने गोल लगा है मालदा की तरफ से, पहला गोल जस्ट नंबर 9 इब्राहिम ने किया था, सेकंड गोल संजीव मुर्मू ने, और थर्ड गोल नादा जो कि विदेशी मूल के खिलाड़ी उसने तीसरा गोल लगा है। कटवाल कहते हैं बेगुल गुल हाव का मालदा की को, और नादा ने अपना जलवा आखिरकार दिखा ही दिया है। मिंटू सर